रोडवेज विभाग में 720 निजी बसों को किलोमीटर के मुताबिक परमिट देने और कर्मचारियों पर अस्मा के तहत कार्रवाई करने के विरोध में कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारी नेता दलबीर किरमारा ने 6 अक्टूबर को मंत्री आवास का घेराव करने तथा 16 व 17 अक्टूबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया। हरियाणा सरकार द्वारा 720 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जो प्राइवेट बसें हायर की जा रही है उसके विरोध में रोडवेज के ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 5 सितंबर को हड़ताल की थी, लेकिन उसको लेके रोडवेज के कर्मचारी सैकड़ों कर्मचारियों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके एस्मा के तहत कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया। और इसी की उसमें हमने सभी आर्थिक मांगों को पीछे छोड़ते हुए हमारी आज दो ही मांगे हैं। एक तो जो निलंबित कर्मचारी हैं एस्मा के तहत मुकदमे दर्ज हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं और कर्मचारियों को बहाल किया जाए। दूसरे जो 720 बसों का जो सरकार ने किलोमीटर स्कीम के तहत लेने का जो फैसला किया है उसको तुरंत रद्द किया जाए। यदि सरकार इस फैसले को रद्द नहीं करती तो हम 6 तारीख को परसों प्रदेश के परिवहन मंत्री के जो गांव मतलोडा में कैंप कार्यालय का घेराव करेंगे, और इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती तो 16 और 17 तारीख को पूरे प्रदेश भर का चक्का जाम करेंगे। लेकिन हम सरकार को साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जनता में रोडवेज के कर्मचारियों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि रोडवेज के कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जब से बीजेपी की सरकार आई है यदि किसान बोलता है तो किसानों के ऊपर लाठियां बांधी जाती है, यदि कोई नगरपालिका का कर्मचारी बोलता है तो उनके ऊपर एस्मा लगाने का डर दिखाया जाता है, यदि हॉस्पिटल की कर्मचारी बोलते हैं तो उनके ऊपर एस्मा लगाई जाती है, रोडवेज का कर्मचारी बोलता है तो उनको हड़ताल के नाम पर जनता में बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जबकि सरकार कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर रही है जो जनहित में हो, बल्कि सरकार अपनी मनमर्जी से और एक तानाशाही रवैया जो सरकार ने अपना हुआ है उसके विरोध में 16-17 तारीख को हम प्रदेश का चक्का जाम करेंगे। और जो ये बसें हैं हम इसलिए इनकी मांग कर रहे हैं कि आज सरकार दावा कर रही है कि जो बसें ले रहे हैं उसमें ड्राइवर और कंडक्टर सरकारी होगा और ड्राइवर और बस प्राइवेट होगी। हम ये कह रहे हैं कि भाई बस भी अपनी हो और ड्राइवर भी अपना हो, कंडक्टर भी अपना हो, एक बस पर 7 लोगों को रोज़गार मिलता है। और यदि 700 बस आए तो 49,000 लोगों को एकदम से रोज़गार मिलेगा, लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाह रही, बल्कि रोडवेज को किलोमीटर स्कीम के तहत 10 और 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा दे के सालाना 700-800 रुपए और घाटे में रोडवेज को धकेलेगी। इसलिए हम सरकार से कहते हैं समय रहते टेबल पे बैठ के बातचीत करके समस्या का समाधान करें, नहीं तो हम 16-17 को चक्का जाम करेंगे और 6 तारीख को घेराव। कर्मचारी नेताओं ने साफ किया कि रोडवेज में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि सरकार अब भी नहीं चेती तो कर्मचारी आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा। फतेहाबाद से साहिल रुखाया की रिपोर्ट।